हेलो स्टूडेंट, मैंने पहली वीडियो कॉन्टिन्यूटी की डाली थी, उसमें पूरा बेस बताया था और मैं समझता हूँ आपका बेस पक्का हो गया होगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये कोने में आई बटन है, इसको दबा के आपको पहली वीडियो मिल जाएगी, उसे देखिएगा। जब बेस पक्का होगा तब जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ गारंटीड आपको 100% समझ में आएंगे। तो बहुत इजी तरीके से, इजी मेथड से मैं इसको कराने जा रहा हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। यस, ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलो। मीनिंग क्या समझिए, अब जरा एक मिनट ध्यान दीजिए। अब क्या है, यूपी एंड सीबीएसई यानी दोनों बोर्ड का जो सिलेबस है वो एक ही है। मैं क्वेश्चन जरूर यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन इसको हिंदी में ही बता रहा हूँ, जिससे दोनों बोर्ड यानी यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के छात्र इसका लाभ उठा पाएँ। तो मैं पूरे को इसको हिंदी में भी डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन मैं इसको सॉल्व पूरा बोलूँगा हिंदी में ही, जिससे इंग्लिश मीडियम के बच्चे आसानी से समझ सकें और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ी अंग्रेजी आ सके। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा जाएगा लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं हिंदी में बोलूँगा और इसका पूरा मीनिंग भी आपको बताऊँगा, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग मैं बताऊँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को ना ही सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को। चलिए आप करते हैं स्टार्ट। Discuss the continuity of the function fx at x equal to 0 when fx defined as follow. अब जरा ध्यान दें, हमें क्या कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, यानी कि ये बताना है कि जो फंक्शन है वो सतत है या असतत है। क्या चेक करना कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है, तो ये हमें इसमें बताना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब तीन कंडीशन वो फॉलो हो जाए। कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीन कंडीशन है कौन सी? राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीन चीजें इक्वल हैं तब तो कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होता। अब हम चलते हैं, देखिए स्टार्ट। सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सबसे आसान होती है, इसलिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात बोला, अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने निकाल दी, तीन नंबर का क्वेश्चन आया है, ये आसान होती है, तो पहले में ही आपका सही हो गया तो आधा नंबर, एक नंबर तो पक्का हो गया। ठीक है, और पता आपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और लास्ट में निकाली वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट आपकी स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गई, तो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन भी चेक नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या निकालें? वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सबसे ईजी होती है, इसलिए इसको सबसे पहले निकालें। ठीक है, आप कैसे निकालते हैं जरा सीखिए। अब देखिए हमें कितने बार चेक करनी है, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो पर हमें यह बताना है कि ये जो फंक्शन है, जो फलन है, ये सतत है या असतत है, यानी कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो इसे बताने के लिए हम पहले इक्वल, देखिए कहां पर लिखा है इक्वल, इस पर लिखा, तो एफ एक्स की वैल्यू दो लेनी है, एक तो ये वाली लेनी है और एक नीचे वाली लेनी है। तो ऊपर वाली तब लेनी जब एक्स का मान जीरो के बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो मतलब एक्स से बड़ा हो या एक्स से छोटा हो, और जब बराबर है जीरो के तो एफ एक्स की वैल्यू वन लेनी है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन। अब एक्स के प्लेस पे जीरो रख देना, तो इधर तो एक्स है नहीं, नो जी, वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई हमारी वन। समझ आ गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जिस वैल्यू पे हमें निकालना है, जिस वैल्यू पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसे यहां पर लिख लेते हैं और उसमें अपनी तरफ से h प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ से h प्लस करते हैं, और h जो है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, लगभग 0.000000, और जब कहना थक जाए तो वन लिख दो, बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं x के प्लेस पर यहां पर जीरो रखूंगा तो क्या हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल, तो एच कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्स के स्थान में जीरो रखेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, एच कितना आ गया, जीरो। अब जरा फंक्शन देखना, जब मैं जीरो में एच जोड़ूंगा तो एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी जीरो के इक्वल नहीं रहेगी। जब जीरो के इक्वल नहीं रहेगी तो फंक्शन कौन सा लेना, जब जीरो के इक्वल नहीं है फंक्शन लेना ये वाला। तो एफ एक्स क्या लिया जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, क्लियर। अब इसमें जो है x के प्लेस पे ये रख देना दोनों साइड, और उसके बाद ये वाली लिमिट लगा देना,
पहले x की प्लेस पे ये रखना है, देखिए x की प्लेस पे मैंने रखा, दोनों तरफ रखना, रख दिया। अब ये वाली लिमिट लगा दी नीचे वाली, क्या है लिमिट, एस टेन टू जीरो दोनों साइड में, लिमिट एस टेन टू जीरो, क्लियर। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लगाएंगे तो जीरो प्लस जीरो हो गया, अब राइट हैंड साइड में लिमिट लगानी है, ठीक है। तो एच के स्थान पे क्या रखना, जीरो। जीरो रखने से पहले जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जीरो में जब हम एच जोड़ेंगे तो एच की वैल्यू जीरो से थोड़ी बढ़ रही है, जीरो से बढ़ रही है तो ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ये जाएगा जीरो प्लस एच और ये आएगी बाहर पॉजिटिव। अब देखिए एच से एच कट जाएगा यहां पर, एच अपॉन एच कितना आ गया, सोलो के लिमिट लगाएंगे तो आगा वन, ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। मॉडुलस के बारे में आपको बता दें, देखिए जरा ध्यान देंगे कि मोड एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स भी हो सकती है और माइनस एक्स भी हो सकती है। मैंने मॉडुलस पे एक पूरी वीडियो बनाई है, आप मेरी पहली वीडियो में सर्च करके देख लीजिए मॉडुलस फंक्शन, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मॉडुलस का चक्कर। तो एक्स की वैल्यू, मोड एक्स की वैल्यू एक्स तब होती है जब एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और एक्स की वैल्यू, मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स तब होगी जब एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखिए ये वाला किया कि एक्स की वैल्यू जो जीरो से बड़ी है, तो जब जीरो से बड़ी है तो पॉजिटिव लिख दिया हमने, क्या लिखा बाहर, पॉजिटिव। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में पूरा सेम टू सेम ऐसे ही उतारना है, बस यहाँ पे क्या कर देना, माइनस करना। देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या करना, जीरो माइनस एक्स, यानी जिस लिमिट पर हमें चेक करनी कॉन्टिन्यूटी उसमें यहाँ पर माइनस लगा देना, ठीक है। और x जैसे ही मैं यहाँ पर जीरो रखूंगा तो एच टेन टू कितना आ जाएगा, जीरो। अब देखिए फंक्शन कौन सा लिखेंगे, जब मैं जीरो में से h घटाऊंगा तो x की जो वैल्यू होगी वो जीरो से थोड़ी कम होगी, और जब जीरो से थोड़ी कम होगी तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला, यानी जीरो के बराबर नहीं रहेगा। तो एफ एक्स बराबर लिया जाएगा मॉडुलस x अपॉन x, अब x के प्लेस पे क्या रख देना, ये वाला, ये रख दीजिए x के प्लेस पे, रख दिया। अब उसके बाद क्या करना, ये वाली लिमिट लगानी है, ठीक, लिमिट लगाएंगे एच टेन टू जीरो, चाहे आप ऊपर ही लगा सकते हैं लिमिट, चाहे नीचे लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिमिट लगाई, राइट हैंड साइड में भी लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने से पहले मोड खोलेंगे, क्योंकि ये जीरो से, जीरो माइनस एच एन जीरो से छोटी जा रही है, जीरो से छोटी जा रही है तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का जीरो माइनस एच, और ये हो गया माइनस का एच। अच्छा हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, एच से एच कट जाएगा, सोलो का आएगा माइनस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो चीजें तो सेम है लेकिन तीसरी चीज क्या आ रही है, डिफरेंट। यहाँ देखिए ये और ये, दो चीजें तो सेम है लेकिन तीसरी चीज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ लिख देते हैं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ जीरो, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी थी हमारी, इसे लिखेंगे एफ जीरो, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जीरो, और कौन सी इक्वल है, ये वाली एफ जीरो प्लस जीरो, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन तीसरी क्या है, डिफरेंट है, नॉट इक्वल एफ जीरो माइनस जीरो। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम जरा ध्यान देंगे कि यहां पर क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तो सेम है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस, कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। यहां लिखेंगे हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यहां पर लिख देंगे हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, अभी मैं कई क्वेश्चन इस टाइप में कराऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो आप करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फंक्शन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक फलन है प्रत्येक वास्तविक मान के लिए डिफाइंड है, जो इस तरह से डिफाइन यानी इस प्रकार परिभाषित है, देन प्रूव दैट ए फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। हमें ये सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है यानी कंटिन्यूअस नहीं है, कितने पर, जीरो पर। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन की यहाँ पर सन भी डाल दिया करूँगा, जो क्वेश्चन जो कोई क्वेश्चन कब आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए फंक्शन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर डिफाइंड एज, ये हमें ये प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, कितने पर प्रूफ करना, जीरो पर। तो हमने बताया था आपको सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये सबसे इजी होती है और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर पक्का। तो ये सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर देखेंगे जरा फंक्शन कौन सा है, जीरो इक्वल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर, तो इक्वल टू जीरो पर क्या है, जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स के प्लेस में क्या रख देंगे, जीरो। तो ये आगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद निकालेंगे नंबर 2 राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, जो भी लिमिट दी होती है उसमें हम अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो एच टेन टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के स्थान में 0 रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो एच टेन टू 0। अब देखिए फंक्शन चूज करना है, जब मैंने 0 में h जोड़ा तो x का मान 0 के बराबर नहीं रहा, यानी कि कौन सा वाला लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसको नोट करना सही से। ठीक है, अब इसमें क्या काम करना, एक तो इस एक्स के प्लेस पे ये रखना है और साथ में लिमिट क्या रखनी, ये वाली, ठीक है। तो दो काम एक साथ कर देते हैं, देखिए लिमिट एच टेन टू जीरो और क्यों क्या लिखा मैंने, एफ एक्स और एक्स के प्लेस पे क्या रखना, जीरो प्लस एच। अब यहाँ देखिए यहाँ भी यही लिमिट एच टेन टू जीरो और एक्स के स्थान पर क्या रखना है, जीरो प्लस एच, क्या रखना है एक्स के स्थान पर, जीरो प्लस एच। अब हम लिमिट लगा देते हैं दोनों साइड में, जब लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा, अब इधर देखिए लिमिट लगाएंगे क्या आएगा, 1/0, यहाँ भी लगाएंगे 1/0, 1/0 कितना होता है बताएंगे, 1/0, यस 1/0 होता है इनफाइनाइट, कितना इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आएगा e की पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट। अब यहाँ जरा गौर करेंगे, e की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, और कोई भी फंक्शन अगर 1 से बड़ा है तो उसकी पावर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है, समझ आ रही बात। और यहाँ पर 1 प्लस इनफाइनाइट, यानी कि ये आ गया इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने लिमिट लगाई वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आया, यानी अपरिभाषित आया, अनडिफाइंड आया, लेकिन हम लिमिट तभी रखते हैं जब फंक्शन डिफाइंड हो। तो इसका मतलब पहले हमें यहाँ पर इसको डिफाइंड बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, डिफाइंड। अब देखो डिफाइंड कैसे बनाएंगे ये समझेंगे, यानी ये वाला जो काम है हमारा इतना वो बेकार गया, ठीक है। ये मैंने आपको करके इसलिए दिखाया जिससे आपको समझ में आ जाए, तो डिफाइंड कैसे बनाएंगे अभी समझेंगे। तो यहाँ से इसको आप देखिए यहाँ से करते हैं, लिमिट इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो रख ही सकते हैं लिमिट, यहाँ पर लिमिट एच टेन टू जीरो ई की पावर 1/h, यहाँ से ई की पावर 1/h को मैं लिख सकता हूँ 1/e^-1/h। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेके इसको ऊपर पहुँचा दूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम क्या है इसका, ई की पावर माइनस 1/h और ये प्लस 1 और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो गया, ई की पावर 1/h इंटू ई की पावर माइनस 1/h, यहाँ कितना हो गया, इसे लिखेंगे प्लस में लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, प्लस 1। ये दोनों कट के आपस में क्या हो जाएगा,
आप देखिए जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा ए की पावर गुणा में खाते जुड़ती हैं, पावर ऐड हो जाएंगी तो ए की पावर जीरो हो जाएगा। यहाँ हम लिमिट लगा सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे चलो मैं अगली लाइन में लगाऊंगा, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, जरा समझेंगे, जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ए की पावर जीरो है, ये तो हो गया वन, और यहाँ लिमिट लगाएंगे जीरो प्लस वन, अभी हमने बताया था जीरो से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है, ओके। और ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, यस ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि ई की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग होती है तो इसको डिवाइड करेंगे ये हो गया जीरो। इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर्स को, वन अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू होता है जीरो, कुल मिलाकर आ गया वन। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी तक ये निकाली है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई, वन आई, और वैल्यू फंक्शन कितनी आई, जीरो आई। वैसे तो हमें यही मालूम हो गया कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देंगे, प्रूफ तो यही ऊपर हो गया कि ये फंक्शन जो है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो मैं इसकी अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैसे ही करेंगे, तो x के स्थान पर क्या था जीरो, इसमें से h माइनस करेंगे, और जैसे ही हम क्या है x के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो h टेंड टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, जब जीरो में से h घटाएंगे तो जीरो से थोड़ा कुछ छोटा होगा, और जब जीरो से थोड़ा छोटा होगा तो वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, तो कौन सा लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिया जाएगा ए की पावर वन अपॉन एक्स, वन प्लस ए की पावर वन अपॉन एक्स। अब एक्स के प्लेस पे क्या रखना, ये रखना, और साथ में लिमिट भी लगाना, तो लिमिट एच टेन टू जीरो, एक्स के प्लेस पर रखा मैंने जीरो माइनस एच, और लिमिट एच टेन टू जीरो ए की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच अपॉन वन प्लस वन अपॉन जीरो माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए वही बात हमें रखनी, ध्यान रखना कि फंक्शन जो परिभाषित रहना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। तो लिमिट पहले रख के देखते हैं, तो जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो e की पावर जीरो माइनस लिमिट यहाँ लगा दे रहा हूँ, यहाँ भी लगाएंगे, देखिए तो कितना हुआ e की पावर वन अपॉन जीरो, e की पावर वन अपॉन जीरो, और जीरो कितना होता है आपको बताया था, वन अपॉन जीरो होता है इनफाइनाइट, ठीक है, वन अपॉन जीरो क्या होता है इनफाइनाइट। और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये क्या इनफाइनाइट, तो कितना आ रहा है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो इसका मतलब फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परिभाषित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे परिभाषित, देखो यहाँ से, तो यहाँ से मैं फिर इसको करता हूँ परिभाषित, कैसे करना है जरा समझेंगे। तो इसको परिभाषित करने के लिए पहला तो लेफ्ट हैंड साइड पे यही जाएगी जीरो माइनस जीरो, अब इधर से सही कर देता हूँ मैं, यहाँ से क्या करना आप मुझे परिभाषित करने के लिए, मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ लिमिट एच टेन टू जीरो ई की पावर माइनस वन अपॉन एच, ठीक है, और ये कितना है वन प्लस ई की पावर माइनस के वन अपॉन एच, ठीक है। अब देखो इसको मैं परिभाषित करने के लिए कर रहा हूँ, डिफाइन करने के लिए इसे ले सकता हूँ वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच, ऐसे इसको देखिए वन प्लस वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच, ठीक है। अब लिमिट लगाइए, देखिए अब लिमिट लगाएंगे क्या आएगा, वन अपॉन जीरो क्या होता है इनफाइनाइट, यहाँ देखिए ई की पावर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कितना होता है ई की पावर इनफाइनाइट कितना होगा बताइए, यस अभी बताया था मैंने इनफाइनाइट, क्योंकि ई की वैल्यू जब वन से ज़्यादा हो, किसी की भी पावर वेस वन से ज़्यादा हो और उसकी पावर इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो इनफाइनाइट होती है, और वन से छोटी हो वेस और पावर उसकी इनफाइनाइट हो तो जीरो होता है। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया ये जीरो, यहाँ पर ये भी जीरो,
कुल मिला कितना आया? जीरो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो अलग थी। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एफ जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी थी? जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? जीरो। लेकिन ये क्या आया? वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम थी, लेकिन राइट हैंड लिमिट डिफरेंट थी, इसलिए ये जो फंक्शन कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस। तो हम कह देंगे हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये लाइन लिख लाइन यहाँ लिख देंगे, हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैं सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर डिफाइंड एट। एक फंक्शन यहाँ हमारा दिया हुआ है, हमें बताना इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? जीरो पर ये चेक करना है तो बता देंगे, है या नहीं है तो नहीं है। तो इसके लिए तीन कंडीशन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों कंडीशन पास होती हैं, इक्वल आती है वैल्यू, तब तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कौन सा वाला वैल्यू निकाली, वैल्यू ऑफ फंक्शन। नंबर एक क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो का क्या है वैल्यू? वन। तो एक्स के प्लेस पर जीरो रख दिया, आ गया वन। ठीक है, अब उसके बाद हमने दूसरे नंबर क्या बताई थी, राइट या लेफ्ट, इसमें कुछ भी निकाल सकते हो आप, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे? दो क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो जो लिमिट दे रखी है हमारे, उसमें से क्या कटाना? एच प्लस करना, और जैसे ही एक्स टेंड टू क्या रखोगे? जीरो। तो एच टेंड टू कितना जाएगा? जीरो। तो फंक्शन चूज करना और लिमिट, तो दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ। देखिए लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स के स्थान में क्या लगाना? जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स के स्थान में क्या लगाना? जीरो प्लस एच। अब इसमें पहले फंक्शन देखिए कौन सा वाला है, जब मैं जीरो में एच जोड़ूंगा तो एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं रहेगा, जब जीरो के बराबर नहीं रहेगा तो कौन सा फंक्शन रहेगा? ये वाला। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक लाइन थोड़ी कम कर दी है, इसलिए क्योंकि पहले दो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो आपको जो फंडा है वो समझ में आने लगा होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन कम कर दी है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैंने ये फंक्शन रख दिया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? आप देखिए आगे चलते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं, यहाँ लिमिट देखिए जो टू है, टू कॉन्स्टेंट है, मैं टू को बाहर लिख लेता हूँ, लिमिट एच टेंड टू जीरो। यहाँ आया साइन एच अपॉन एच, आप जानते होंगे साइन थीटा अपॉन थीटा की जो वैल्यू होती है लिमिट में, आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा कितनी होती है? वन। ठीक है, तो साइन ये वाली वैल्यू टोटल कितनी होगी? वन। साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट क्या हो? जीरो हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? वन। तो यहाँ पर आ गया टू। देखिए क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया, यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट टू आ रही है और वैल्यू फंक्शन एक है, यानी दोनों इक्वल नहीं है, हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन हम फिर भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट दिखा देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए वही काम पूरा, तो जीरो यहाँ क्या आएगा बोलिए? यस, एक्स जीरो माइनस एच, एक्स टेंड टू जीरो और एच टेंड टू जीरो, लिमिट एफ क्या आएगा? जीरो माइनस एच, यस लिमिट एच टेंड टू जीरो। फंक्शन क्या आएगा? यही वाला, ओके। तो ये सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड में लिमिट ले आएंगे तो जीरो हो गई, इधर साइन माइनस थीटा होता माइनस के साइन थीटा, और ये माइनस का एच, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, और ये मैंने टू वहां लिख लिया, लिमिट एच टेन टू जीरो साइन एच अपॉन एच। और ये आप जानते हैं कि साइन एच अपॉन एच की वैल्यू नहीं बनी। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ तो सेम आ रही है, लेकिन तीसरी चीज़ क्या डिफरेंट आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
एफ जीरो प्लस जीरो एफ जीरो माइनस जीरो तो सेम है लेकिन नॉट इक्वल टू एफ जीरो, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम है लेकिन नॉट इक्वल टू ए वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूअस, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है, हैज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस दैट प्रूव। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये, ठीक है आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें टू प्रूव फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, हमें ये प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है यानी असतत है। तो उसको असतत प्रूफ करने के लिए, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें तीन कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन फेल होगी। तो देखते हैं, देखिए पैसा पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर देखिए फंक्शन क्या है, एक्स के प्लेस पे हम जीरो रखेंगे तो आगे जीरो। नंबर दो पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जो भी लिमिट हमें दे रखी है उसमें हम अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं और जैसे ही हम एक्स के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो एच टेंड टू कितना आ जाएगा, जीरो। जब मैं जीरो में एच जोड़ूंगा तो एक्स की वैल्यू जीरो से बढ़ जाएगी यानी जीरो के इक्वल नहीं रहेगी। जब जीरो के इक्वल नहीं रहेगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। तो इसमें मैं लिमिट भी लगा देता हूँ और एक्स के स्थान क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंड टू जीरो। फंक्शन कौन सा हो गया, ये वाला। क्या लगाएंगे, जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच माइनस वन अपॉन कुछ नहीं, यही है फंक्शन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करा मैंने, ये आ गया जीरो प्लस जीरो और यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ गया एच साइन वन अपॉन एच और ये एच माइनस वन। अब जरा नोट करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, जब मैं इसके स्थान पर रखूंगा तो जीरो आएगा और साइन वन अपॉन एच वन अपॉन जीरो माइनस वन। साइन की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है और जो भी वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है और फाइनाइट वैल्यू की जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, यानी इतना पोर्शन जीरो हो जाएगा और हमारा बचेगा माइनस के वन। उसे क्या लिखेंगे, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। तो क्या लिखेंगे इसको, ए फाइनाइट वैल्यू माइनस वन टू प्लस वन, यानी कि माइनस वन से प्लस वन के बीच में एक निश्चित वैल्यू और ये वाला जो माइनस वन है वो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो सॉल्व होके ये आ गया जीरो और इसके बीच में जो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और ये माइनस वन यहाँ पर ऐसे रहेगा, कुल मिला के ही आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो तीसरी कंडीशन अगर आप निकालना चाहें निकाल लें लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ लिखेंगे चूँकि एफ जीरो नॉट इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जीरो डेट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हेंस फंक्शन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। तो ये हमारा इसको प्रूफ हो गया। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है इफ फंक्शन ये इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है यानी कि तीनों चीजें इक्वल है, क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ये तीनों वैल्यू इक्वल, तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो इनमें से हम कोई सी दो इक्वल करके हम के का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले वही काम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन
एट एक्स इज इक्वल टू कितने पर, टू पर, ओके। वो एफ एक्स कितना जरा बताएंगे, टू पर, इक्वल देख लीजिए कहाँ लगा हुआ है, इक्वल लगवा है तो कितना आ गया के, और एक्स के प्लेस पर क्या रख देना, ठीक। उसके बाद हम राइट या लेफ्ट कोई एक निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में फिर वही कई बार ये काम हो रहा है, आप तो आपको दिमाग में आ गया होगा, जो भी हमें लिमिट दे रखी है उसे लिखेंगे यहाँ पर और उसमें अपनी तरफ से h को जोड़ेंगे। जैसे ही हम x के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और h की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए लिमिट, लिमिट क्या हुई, h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 f x के स्थान पे क्या रखना, 0, ये था आपका 2 प्लस h। ऐसी राइट हैंड साइड में लिमिट फंक्शन कौन सा लेना, देखिए जब 2 में h जोड़ेंगे तो x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं रहेगी, यानी 2 से छोटी होगी या 2 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब 2 के बराबर नहीं है तो ये वाला फंक्शन ले जाएगा। x के प्लेस पे क्या रखना, 2 प्लस h माइनस के 4 और नीचे 2 प्लस h माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए वही बात, अगर मैं यहीं पर लिमिट रखता हूँ तो क्या होगा, फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 0/0, ठीक है, तो 0/0 आएगा तो अपरिभाषित हो गया, तो पहले इसको परिभाषित करना पड़ेगा लिमिट के अनुसार। परिभाषित करने के लिए मैं इसको हल्का सा सॉल्व कर लेता हूँ, देखो कैसे सॉल्व कर लूँ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, यही हो जाएगा ये 4h और माइनस का 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, जैसे ये कैंसिल हो गया, अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट h टेंड टू 0 कितना बचा, h कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस यानी h प्लस 4 बचा, नीचे h, h से h कैंसिल कर दिया, अब लिमिट लगा सकते हो, तो लिमिट कितनी हो गई, 0 प्लस 4 कितना आया, 4, ये आ गई हमारी 2 प्लस 0। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हमने निकाल ली, अगर दो से ही हमारा काम चल रहा है क्योंकि वैल्यू निकल रही है तो तीसरी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंटिन्यूस प्रूफ नहीं करना, कंटिन्यूस दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे given that, क्या लिखना, given that fx या function is continuous, क्या function is continuous, given that function is continuous, जब function continuous है तो तीनों चीजें equal होंगी, यानी कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो एफ की पावर है ना, इससे मतलब फंक्शन होता है। तो हमने क्या निकाली, हमने निकाली राइट हैंड लिमिट यानी कि 4 निकाली, और क्या निकाली, वैल्यू फंक्शन निकाली, तो ये दोनों आपस में इक्वल कर देते हैं क्योंकि तो तीनों चीज़ें क्या है, ये सेम है, तो के बराबर आ गया 4। दिस इज एंसर, मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, If function fx ये is continuous at x equal to 0 then find the value of k, हमें k की वैल्यू निकालनी है और ये जो फंक्शन है हमें दे रखा कंटिन्यूस है, ठीक है, तो जैसा अभी मैंने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, बड़े आराम से हो जाएगा। तो करते हैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, एट x इज इक्वल टू 0, f की पावर n का मतलब फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है fx इक्वल टू k और x के प्लेस पे क्या रखना 0, ओके। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, जो भी लिमिट दे रखी है उसमें हम अपनी तरफ से h जोड़ते हैं और जैसे यहाँ पर ये रखेंगे जो लिमिट दी हुई है तो h टेंड टू 0, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 x के प्लेस पे क्या रखना 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा और आएगा,
जब जीरो में एच जोड़ेंगे तो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, और जब जीरो के इक्वल नहीं रहेगा तो कौन सा फंक्शन ले आएगा? ये वाला साइन थ्री एक्स के प्लेस में क्या रखना, जीरो प्लस एच अपॉन टू अपॉन जीरो प्लस एच। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसमें सॉल्व करेंगे पहले तो जीरो प्लस जीरो यहाँ पर लिमिट एच टेन टू जीरो, ये आ गया साइन थ्री एच अपॉन टू ऑन एच। अगर हमने अभी इसमें लिमिट लगा दी तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, और अनडिफाइंड होने का मतलब तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम करूँगा, ये इसकी वैल्यू वन हो सकती है अगर थ्री अपॉन टू यहाँ भी आ जाए। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया, लिमिट एच टेन टू जीरो इसमें थ्री एच अपॉन टू अपनी तरफ से थ्री अपॉन टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, थ्री अपॉन टू से यहाँ करें तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमेटर में थ्री अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप जानते होंगे ये वैल्यू, जब साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। तो कितना रहेगा ये, थ्री अपॉन टू, तो थ्री अपॉन टू ये आ गया जीरो प्लस जीरो। एक चीज़ हमने पहले निकाल रखी थी, इसमें तीन चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी हो के की निकालनी, कंटिन्यूस हमें दिया हुआ। फिर वही लिखेंगे, गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इसलिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट हमने कितनी निकाली, थ्री अपॉन टू, इसकी हमें जरूरत नहीं, निकाली नहीं हमने, हमने निकाली वैल्यू ऑफ फंक्शन के, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी के, तो के कितना आ गया थ्री अपॉन टू, ये आ गया आंसर। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स ये इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। बिल्कुल सेम वही है, के की वैल्यू निकालने कंटिन्यूस दिया हुआ, तो तीन वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, कोई सी दो निकालेंगे और उनसे के का मान निकल रहा है तो निकाल लेंगे। कंटिन्यूस दिया इसका मतलब तीनों चीज़ें इक्वल है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो पर कितने पर निकालेंगे, जीरो पर। बताइए जरा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है यहाँ पर थ्री, तो एक्स के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया जीरो रख दिया, ये आ गया। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जो भी लिमिट हमें दे रखी है क्या दे रखी है ये, इसमें हम अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं और जैसे यहाँ पर जीरो रखेंगे तो एच टेंड टू जीरो। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, देखिए जब मैं जीरो में एच जोड़ूंगा तो एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से बढ़ जाएगी, तो जब जीरो से बढ़ जाएगी तो कौन सा वैल्यू लेनी है, एक्स की वैल्यू जीरो से बढ़ी थ्री लेना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा थ्री। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स जीरो प्लस एच और लिमिट एच टेंड टू जीरो, और जीरो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी किस में है, इस वाले में, यानी थ्री आएगा यहाँ पर, और यहाँ लिमिट रखेंगे तो आ गया थ्री। अब देखिए यहाँ पर अभी तो के की वैल्यू नहीं निकल रही, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ेगी, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना, जीरो में एच को माइनस करना, जैसे यहाँ पर जीरो रखोगे तो एच टेंड टू क्या जाएगा जीरो आ जाएगा। फंक्शन लिमिट एच टेंड टू जीरो क्या लिया जाएगा, एफ एक्स के स्थान क्या रखना जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंड टू जीरो। फंक्शन कौन सा होगा, जब जीरो में से एच कटेगा तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो जीरो से थोड़ी छोटी होगी, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो ये वाला फंक्शन ले जाएगा के, और ये क्या है एक्स यानी कि जीरो माइनस एच अपॉन मोड जीरो माइनस एच। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए मोड आ गया, जीरो में से एच घट रहा है यानी जीरो से थोड़ा छोटा, और जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव,
नेगेटिव है तो मोड की वैल्यू कितनी होगी? यस बताइए, मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था ये हो जाएगा माइनस का एच। कैसे हो जाएगा? माइनस का एच। तो मोड के स्थान पे बाहर कैसा आएगा? माइनस का चिन्ह। ओके, माइनस ये वाला जो है अंदर ऐसे रहेगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू अंदर वाली जीरो से छोटी है, तो मोड जो बाहर वाले सिंबल हटाया उसके स्थान पे माइनस लगेगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस का की एच, ये प्लस का एच हो गया, तो कितना आगे सॉल्व हो गया? माइनस का की हो गया। ठीक है, अब क्या लिखा? गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, देन क्या होगा? राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट क्या निकाली मैंने? राइट हैंड लिमिट निकाली, ये देखिए आई थी 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितने निकाली? आई थी माइनस के k, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया था? वो था 3। तो यहाँ से k कितना हो गया? k इसको इक्वल कर लो या इसको कर लो, तो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस का 3। तो आंसर क्या आया? k इज इक्वल टू माइनस का 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये जो फंक्शन है फिर हमें वही दिया, कंटिन्यूस दिया हुआ, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। चूंकि ये कंटिन्यूस है तो तीनों चीज़ें कैसी होंगी? इक्वल होंगी, और इन इक्वल करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू, देखिए इक्वल का चिन्ह कहाँ लगा हुआ है इन तीनों में? यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 11, यानी एक्स के प्लेस पे क्या रख देना आपको? 1 रख देना। नंबर 2 क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? जो लिमिट हमारी दी होती है उसमें हम अपनी तरफ से एच जोड़ते हैं, और यहाँ से एक्स के प्लेस पे क्या रखते हैं? जो लिमिट दे रखी है, तो 1 रखेंगे तो एच टेंड टू कितना जाएगा? 0। ठीक, अब देखिए जब मैं 1 में एच जोड़ूंगा तो एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी बढ़ेगी, और जब एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी बढ़ेगी तो क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ी, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 से बढ़ी। तो एफ एक्स ये लेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, एफ एक्स की जगह क्या रखना मुझे? 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, फंक्शन कौन सा लेना? ये वाला। देखिए क्या होगा? 3 एक्स के स्थान पे 1 प्लस एच प्लस के बी। राइट, समझ आ रही बात? लिमिट देखिए लगा दीजिए, इसमें लिमिट लगाएंगे, ये आ गया 3 प्लस बी। ठीक, अब हम देखिए यहाँ पे इसके इक्वल कर देंगे तो यहाँ से b की वैल्यू तो निकल जाएगी, लेकिन a की नहीं निकल पाएगी। तो इसका मतलब अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3a प्लस बी था एक, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, x के स्थान क्या था? 3a प्लस बी है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3a प्लस बी। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई। अब नंबर 3 लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? फिर वही काम करना, देखिए x के स्थान पे क्या है? 1, 1 में से हम क्या रखेंगे? यहाँ प्लस किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या कर देते हैं? माइनस कर देंगे, और x के स्थान पर जैसे ही 1 रखेंगे h टेंड टू कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फंक्शन कौन सा होगा? जब 1 में से h घटाया तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी, तो x की वैल्यू 1 से छोटी, देखिए कौन सी है x की वैल्यू 1 से छोटी? ये वाली। तो यहाँ पर एफ एक्स आएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, लिमिट एच टेन टू 0, एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच, लिमिट एच टेन टू 0, 5a, और एक्स के स्थान क्या रखना है मुझे? 1 माइनस एच माइनस 2b, एक्स के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? 1 माइनस एच। ओके, इस वाले में एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच, अब देखिए लिमिट लगाई मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ लिमिट लगाएंगे क्या आएगा बोलिए? माइनस का 2b,
तो कितना आया 5a-2b। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने तीनों चीजें निकाल दी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब तीनों को इक्वल कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे फिर भाई, गिवन दैट, क्या दे रखा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस, जब कंटिन्यूस है तो सब चीजें इक्वल होंगी, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट है ये वाली 3a+b, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है ये वाली 5a-2b, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 11। अब देखिए यहाँ पे दो चरों वाली इक्वेशन है, यानी कि टू वेरिएबल में इक्वेशन है, तो इसे हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट में इक्वल कर लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और लास्ट इक्वल कर लेते हैं, ये होगी इक्वेशन टू। अब इलिमिनेशन मेथड से करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, या तो ए का कोफिशिएंट इक्वल करिए या बी का, तो यहाँ पे इजी क्या रहेगा, बी का कोफिशिएंट इक्वल करना इजी रहेगा। तो इक्वेशन टू को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, टू से, जब इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय टू, जब एक को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 और प्लस 2b 2 11 22, इसे न्यू इक्वेशन डाल दी मैंने 3। अब क्या करा, इसके नीचे मैं इक्वेशन 2 को उतार देता हूँ, 5a-2b = 11, ये आ गई इक्वेशन 2। जब किसी इक्वेशन में चेंजिंग होता है तो उसे हम नया नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समान चिन्ह होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट चिन्ह होते हैं तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट चिन्ह, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिंग, क्या लिखेंगे, एडिंग, एडिंग करेंगे 6 से और 5 हो गया 11, ये हो गया 33, तो a = 33/11, तो दिस इंप्लाइज दैट a = आ गया 3। a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ली, 1 से चाहे 2 से, तो कहाँ से निकाल लें, फ्रॉम फर्स्ट, 1 से निकाल लेते हैं, तो 3a, a के प्लेस कर दिया मैंने 3, प्लस का b बराबर 11, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 9 और इधर जाके 11 में से 9 घट जाएंगे, तो b बराबर हो गया, तो b बराबर आ गया 2, कितना आ गया b की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई 3। अब आपके नंबर है, अब मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे समझ रहे हैं तो होमवर्क वाला क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब कर देता हूँ मैं क्वेश्चन। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन जो आपको घर से करने के लिए दिया जा रहा है। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पहले क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन एफ एक्स ये इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। आंसर मैंने लिख दिया 1/2 आंसर है, और ये 2010 में CBSE दिल्ली में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करेंगे, और इसका उत्तर मैंने ये आपको यहाँ मेरी बंदा द्वारा बनाई गई वीडियो, अगर आपको पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उन बच्चों को भी सब्सक्राइब करिए जो बच्चे महंगी ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते हैं और गणित को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको शेयर करिए, और अगर उन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने मोबाइल से उन बच्चों को दिखाइए और उनकी हेल्प करिए। तो कम से कम वे जरूर कर सकते हैं जो हाई स्कूल में नहीं है, या उनके पेरेंट्स ये काम कर सकते हैं कि इन वीडियो को अपने बच्चों को दिखाएँ और उनकी हेल्प करें। ठीक है, तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।